हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि मेटल जो होते हैं, अभी तो कल हम लोगों ने बात किया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल की डिफिनीशन अलग होती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी था बकायदे, ठीक है। तो एक बार मैं याद दिला दूं कि मेटल क्या है। मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मामला कहीं ना कहीं ये फंसता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे वो डोनेट करते हैं या फिर गेन लूज करते हैं। तो ये अलग सी बात है, इसको मैं एक अलग लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, या मेटल का हम लोग कह सकते हैं एयर के साथ रिएक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो कैसे होगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है। सबसे पहले तो एक हम लोग जनरल फार्मूला लिख लें कि जनरल क्या हो सकता है। तो मेटल है, मैं आपको बता दूं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड। बहुत मस्त और बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल, हम देखिए बिना एग्जांपल के मामला समझ में कहाँ आता है। तो विदाउट एग्जांपल नथिंग कैन बी से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जांपल की, और एग्जांपल में हम लोग लेंगे, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है कि ऐसे रहता है, बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन आपको पता है जब सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्साइड पे माइनस टू चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें, जो ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्साइड आयन उस पर माइनस का टू चार्ज होता है। तो इसलिए सोडियम का माइनस टू यहाँ पे चला आता है। आपको मैं समझा दूँ ये रिएक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है और ये मान लीजिए ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड पे यहाँ माइनस का टू है और ये सोडियम पे प्लस का वन या वन प्लस, ठीक है। तो इसका वाला यहाँ चला जाता है और इसका वाला जो ये यहाँ चला जाता है, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। तो ये बनेगा क्या, आप यहाँ से देख सकते हैं एन ए और ये टू यहाँ चलाएगा तो एन ए टू और ये ओ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन ए टू ओ। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। इसको दो करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। जैसे ही आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो टू टू जा फोर। अब हमारे पास सोडियम कितना हो गया, फोर हो गया, तो इस सोडियम को भी तो फोर करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे रिएक्शन करना है प्यारे बच्चों, जब तक मैं हूं तब तक आपको रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री कोई भी प्राणी रटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझेगा, और समझ के हम लोग आसानी से चीजों को करेंगे। जैसे और भी चैनल वाले पढ़ाते हैं आपको, बिल्कुल ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन डायरेक्ट नहीं लिखना है, पढ़ना है आपको, सीखना है कि कैसे होता है ये रिएक्शन, कैसे कराया जाता है। कुछ रिएक्शन हो सकते हैं कि डायरेक्ट उनको करना पड़ जाए, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी रिएक्शन करेंगे सबका एक सिक्वेंस है, अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू हम लोग करेंगे कि कैसे सर इसको करेंगे। मान लीजिए कि आप रटते हैं और रटने के बाद भूल जाते हैं, अगर जो कोई रटना भी चाहता है तो उसको मैं रटने का भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे रटना है, उसका भी एक तरीका होता है। चलिए मान लीजिए आपको ये रिएक्शन अब पोटेशियम के साथ कराना है, तो हमारे पास ये पोटेशियम है, हमको नहीं पता, हमको रटा नहीं है, हमको नहीं पता कि रिएक्शन कैसे होगा। बिल्कुल उसी तरह मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ हमको इतना पता है और आपको भी इतना पता है कि मेटल का हमको ऑक्सीजन के साथ कराना है। मेटल में हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम, और पोटेशियम का हम लोग कराने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और जैसे ही पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ बनेगा K2O। लेकिन ये कैसे बना, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ये सोडियम के साथ कराया, बिल्कुल आप पोटेशियम के साथ करा सकते हैं। आप यहाँ लिखिए पोटेशियम, आप यहाँ लिखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड मैंने बताया यहाँ पे टू निगेटिव होगा, पोटेशियम प्लस वन, इसका वाला यहाँ चला जाता है, ठीक है। जब हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं तो अब कुछ इस तरह का रूल आपको क्लास नाइन्थ में पढ़ाया गया, अगर नहीं पढ़ाया तो यहाँ सीखिए। और इसका वाला कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, ठीक। तो ये बनेगा K2O, बिल्कुल उसी तरह, इसलिए K2O हमने बना दिया।
रटने की जरूरत है नहीं है, समझने की जरूरत है। अब बस सिंपली हमको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे के कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे पोटेशियम गड़बड़ हो गया, पोटेशियम गड़बड़ हो गया, पोटेशियम कितना हो गया, 4, तो 2 × 4, तो यहाँ भी हमको 4 करना पड़ेगा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों कि आपको क्या ये रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा, बिल्कुल एकदम समझ के हो गया, बिल्कुल ही ऐसे। हम 2-3 और एग्जांपल लेते हैं किसका, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और बनाएंगे क्या, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं मैग्नीशियम का, कराएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इसको भी देखिए आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप ये दिया मैंने मैग्नीशियम, और आपको पता है कि ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है और इसका मॉलिक्यूल O2 होता है। ठीक, अब बनेगा क्या, MgO। अब आप कहोगे कि सर आपने तो डायरेक्ट इसको बना दिया MgO, कैसे बनाया? तो आपको बिल्कुल आपको भी ऐसे सीखना है कैसे बनेगा, फिर सर आपने कैसे डायरेक्ट MgO लिख दिया। तो इसका रीजन है, आप सिर्फ अलग से देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इधर लिखिए मैग्नीशियम और इधर लिखिए ऑक्सीजन, आपने लिखा इधर मैग्नीशियम, इधर लिखा ऑक्सीजन। हमको पता है कि ऑक्साइड होगा, ये मैग्नीशियम आयन होगा, तो मैग्नीशियम आयन हमेशा 2+ होता है। ये क्यों होता है, इसका भी मैं तोड़ बताऊंगा आपको, लेकिन आज नहीं, आज हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, इसका भी हम तोड़ बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऑक्साइड लिखे, ऑक्साइड यहाँ 2-, इसका वाला यहाँ और इसका वाला यहाँ, तो ये क्या बनेगा, आप देखिए 2 से 2 पहली बार तो कैंसिल सेम है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, MgO। इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों MgO लिखा गया। अब हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे क्या, ऑक्सीजन इधर 2, उधर ऑक्सीजन कितना, 1, तो उसको 2 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखिए जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना है। इसलिए अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, और अगला एग्जांपल में हम लोग डायरेक्ट लेंगे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम दिया, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे और हमको प्राप्त होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब फिर आप कह रहे होंगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो वेरी सिंपल, आप सिर्फ क्या करिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने करा हर बार एल्यूमिनियम, और इसका वाला यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा एल्यूमिनियम, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के बाद, इसलिए ये हो गया। 2 कहाँ जाएगा, एल्यूमिनियम के बगल में, ये देखिए, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला। अब ये करने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम कितना, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन इधर कितना, 2, उधर कितना, 3, तो हमको इधर क्या करना पड़ेगा, 3, ठीक है, इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 2। अब देखिए 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन 6 6 हो गया। अब हमको देखना है एल्यूमिनियम, देखिए आप इधर 2 है और इधर कितना है, इधर 2 × 2 = 4 है, एल्यूमिनियम कितने एटम है, 4 है, और इधर कितना, 1 है, इसको सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये आपको मेटल का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले दिन फिर से हम लोग कुछ कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे, तो मेटल का ही कुछ अन्य चीजों के साथ जो है रिएक्शन, जैसे वाटर के साथ कैसा होगा, है तो इसी तरह से हम लोग कल और भी बहुत सारे रिएक्शन कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।